नमस्कार, वीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बसगाहा जंगल में हीरा खनन परियोजना के अंतर्गत पेड़ कटाई में लगभग 2,15,000 पेड़ काटे जाने हैं, जिसके चलते विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुंदेली समाज के लोगों द्वारा अलहा चौक के अम्बेडकर पार्क में सुबह 10 बजे खून से खत लिखा गया। मामला बुंदेलखंड के छतरपुर जिले बक्सवाहा जंगल का है, जहां पर हीरा खनन परियोजना के तहत लगभग 2,15,000 पेड़ों को काटा जाना है। आपको बता दें कि बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर का कहना है कि हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन बुंदेलखंड के बक्सवाहा जैसे हमारे गौरवशाली जंगलों को नहीं काटने देंगे। आपको बता दें कि पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथियों के साथ 16 बार अपने खून से खत लिख चुके हैं। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने आज आमा चौक के अम्बेडकर पार्क में हर बार की तरह अपना खून निकलवाया, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे 17वीं बार प्रधानमंत्री को खत लिखा और कहा कि एक तरफ सरकार ऑक्सीजन प्लांट मंगवा रही है और वही दूसरी तरफ चंद हीरो के लिए बुंदेलखंड के हजारों साल पुराने बक्सवाहा जंगल जैसे प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट खत्म करवा रही है। यह कहां तक न्याय संगत है। मध्य प्रदेश सरकार ने विशाल हीरा भंडार मिलने के बाद आदित्य बिड़ला समूह को 382 हेक्टेयर जंगल 50 साल की लीज पर दे दिया है और वहां लगे 2,25,000 पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। फिलहाल मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास विचाराधीन है। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। औरैया थाना क्षेत्र के ग्राम नरोत्तमपुर में भीम आर्मी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जबकि सूबे की सरकार कोविड-19 से बचाव के लिए हर एक उपयोगी कदम उठा रही है, जिससे कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ा जा सके और उत्तर प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्त कराया जा सके। लेकिन आज भीम आर्मी संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसी भी सदस्य व कार्यक्रम में आए ग्राम वासियों के चेहरे पर न तो मास्क दिखा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी। यदि इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो जनपद में कोरोना का बम फूट सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी लापरवाही तो प्रशासन व शासन को देखने मिली। जनपद के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकला था भीम आर्मी संगठन का काफिला। भीम आर्मी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अनुमति किसने दी, जबकि प्रदेश की सरकार के द्वारा किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं है? किसकी अनुमति से भीम आर्मी संगठन ने आयोजित की सभा? भीम आर्मी संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है जी। क्या कारण है इसका? ये इस्तीफा नहीं था, अब परिवार में कुछ होता रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ये इस्तीफा नहीं है। ये भाई हमारे इनको बैठ के समझाया गया है, ये काम करते हैं, इन्होंने यहाँ मिशन को खड़ा किया, भीम आर्मी को मजबूत किया, आजाद समाज पार्टी को मजबूत किया, तो ये हमारे भाई हैं, ये कहीं जाने वाले हैं, ये सभी साथी हमारे साथ हैं। ये जो भी है, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर करा गया है, उसे बैठाल करके अभी हमारे साथी जो है हमसे कहीं दूर जाने वाले हैं, मजबूती से काम करेंगे। संगठन के द्वारा जो आज मीटिंग की गई है जी, इसका क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 2022 है, इस ताना सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये इस्तीफा नहीं था, लेकिन सामूहिक रूप से एक लेटर पैड पर समस्त पदाधिकारियों के नाम बाकायदा लिखे हुए थे और पत्रकारों से बातचीत में भी उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग कुछ गैर संवैधानिक या ये कह लें कि संगठन विरोधी नीतियों का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण या आप जो भी कहें, जैसे परिवार में होता है ठीक उसी प्रकार परिवार से रुष्ट होकर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार के लोग परिवार से ही तो गुस्सा जाहिर करेंगे, बाकी किसी और से तो जाहिर नहीं करेंगे, तो इनका गुस्सा करना जायज है और अब परिवार के लोग ये कहे जाने वाले हैं जी। तो इसका संविधान जो आज जो जो भी कुछ होना था जी, तो वो आज उसी के लिए मुझे सुनने में ऐसा आया है, पत्रकार बंधुओं को बताया गया कि उसी की संतुष्टि के लिए ये मीटिंग रखी गई है। हाँ बिल्कुल रखी गई है, बैठक रखी गई है, मैं अपने लोगों से मिलने भी आया हूँ कि अपने लोगों से मिलूँ, ज़्यादा करके हर जिले में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को, विनय भाई जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँ, अपने लोगों को जोड़ करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूँ। ठीक, धन्यवाद सर। 2022 का लक्ष्य क्या है आपका?
2022 में ये जो नंगा नाच कर रहे हैं सरकार, आप ये बताइए, आप एक लोगों से पूछ लीजिए जा करके, प्रत्येक नागरिक से पूछ लीजिए कि वो खुश है। आने दो, यहाँ तो लाश पर लाश निकलती जा रही लोगों की, कोई मदद नहीं। क्या 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 शिक्षा शिक्षा में क्या इन्होंने करा है, शिक्षा में इन्होंने क्या किया, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को। आज मेन बेसिक चीज़ पर बात करिए ना कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज जिंदा रहने की लड़ाई है, ये क्या कर रहे हैं लोग, रोड पर मर रहे हैं, लाश उठाने वाला कोई नहीं है, ये सब धर्म और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर टेक रखा है इन्होंने। तो अब इससे ऊपर उठ करके जाति धर्म से उठ करके जात समाज पार्टी अपने लोगों को तैयार करके इस देश में शासक बनाएगी। लेकिन सरकार का कहना तो सर ये है कि वो सबके लिए काम कर रही है और इतनी बड़ी महामारी है, इसको एकदम हैंडल नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी महामारी है तो ये कारण इनका है ना कि इन्होंने शिक्षा से ज़्यादा धर्म को महत्व दिया, इसलिए आज हमारे लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। अगर ये शिक्षा को ध्यान देते तो शायद आज जो डॉक्टर होते और अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको यूज़ किया जाता है इंडिया में, पर आज तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये तो ये इन्होंने पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रखा है और ये वही कर रहे हैं, और इन्होंने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया इसलिए आज ये देश का हाल है। और हम जब आएंगे तो ये जो शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय, सुरक्षा, रोजगार, जो बेसिक चीज़ है वो जरूर देनी चाहिए। ये प्रत्येक सरकार का जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक को ये पहुँचाना। भीम आर्मी एक आपका अलग एक संगठन है जी, किसी को आप सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, हमारी पार्टी खुद किया जाए, समाज पार्टी, हम इसे सपोर्ट करें। समाज पार्टी, आगे आने वाले वक्त में आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, इस देश में पहले बहुजनों को शासक बनाना है ना, महिलाओं की भागीदारी नहीं है, पहले महिलाओं को भी देखना है। आर्टिकल 51A हमें अधिकार देता है कि हम अपने संविधान की सुरक्षा और अपने जो कोई भी कानून ऐसा हो जो महिला विरोधी हो उसका विरोध करें और संविधान की रक्षा करें। अब हम अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबकी जिम्मेदारी है करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मीडिया के द्वारा आप कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं मीडिया के द्वारा पहले तो मैं आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम पर जहाँ पर मीडिया बड़े बड़े पूंजीपतियों की और बड़े बड़े धन्ना सीटों की और इस सरकार की बात सुन रहा है, वहाँ आप लोग एक संगठन को, एक ज़मीनी स्तर के संगठन को और ज़मीन की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही इंसानियत का काम करते रहें, क्योंकि इस दुनिया की शुरुआत इंसानियत से हुई थी और आज इस वक्त इंसानियत की ज़रूरत है, इंसानियत एक ही मजहब की ज़रूरत है जो इंसानियत, और इन आप सबका सहयोग चाहिए इस इंसानियत को कायम करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हमीरपुर में सरकारी क्रय विक्रय केंद्रों में किसानों की हफ्तों से खरीदी न होने के चलते किसान बेहद परेशान है। केंद्र प्रभारियों की लापरवाही के चलते पंजीकृत किसानों का टोकन नंबर के अनुसार खरीद न करके मोटी रकम लेकर रातों रात खरीदी की जा रही है और किसानों द्वारा की जा रही है आला हुक्मरानों से शिकायत भी निराधार साबित हो रही है। दरअसल खुद को किसान हितैषी बताने वाली मौजूदा सरकार आज खुद कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। हमीरपुर जिले के मौदहा गल्ला मंडी परिसर के सरकारी क्रय विक्रय केंद्रों में भूखे प्यासे किसान हफ्तों से किराए भाड़े का ट्रैक्टर ट्रॉली लिए हुए अनाज बेचने के लिए पड़े हुए। आक्रोशित किसानों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अगर समय रहते उनकी खरीद नहीं की जाती तो किसानों द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है जिसका जिम्मेदार स्थानीय व जिला प्रशासन होगा। वहीं किसानों ने केंद्र प्रभारियों पर बड़े किसानों से पैसा लेकर रात के अंधेरे में खरीद करने का भी आरोप लगाया है। हफ्तों से सरकारी क्रय विक्रय केंद्रों में भूखे प्यासे पड़े किसान अपना अनाज बेचने के लिए केंद्र प्रभारी व आला हुक्मरानों विनती कर गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ पड़े किसानों में से किसी के घर से खाना आता है तो किसी के घर में कोई देने आने वाला नहीं है, लेकिन अब भूख मिटाने के लिए आपस में मिल बांट कर दो रोटी में ही एक एक खाकर गुजर बसर कर रहे हैं और रोज फिल्मी दुनिया की तरह तारीख पर तारीख के इंतजार में डटे हुए हैं। कुछ महिला किसान भी हैं जो भूख की प्यासे नन्हे मुन्ने नौनिहालों को अपने साथ लेकर अनाज बेचने का इंतजार कर रही है। हाँ, मेरी समस्या ये आ रही है कि मेरा 64-65 कुंटल का टोकन था, इस वर्ष भी नहीं गल्ला खरीदा गया। 4 साल के बराबर टोकन लिए हूँ, मेरा कभी नहीं गल्ला खरीदा जाता, मुझे उतार के भगा दिया जाता है और इस वर्ष भी नहीं खरीदा जाता। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रुपये कोऑपरेटिव बैंक का खाद का बीज का कर्ज भरना है और अन्य किसानों का और अन्य महाजनों का रुपया देना है, मेरे दरवाजे रोड डंडा ठोंकते हैं।
चार साल से ऐसा क्या है कि आपने कभी गल्ला नहीं बेच पाए? आप क्या ऐसी आप? अब मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं बूढ़ा आदमी आता हूं, मुझे भगा देते हैं, बस भगा 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 देते हैं। तारीख पे तारीख। मिस इंडिया न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सुल्तानपुर के द्वारा जयसिंहपुर के मोतीनगर थाने के अंदर पौधारोपण किया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर उपस्थित SFI के जिला मंत्री सौरभ मिश्रा ने कहा कि वृक्षों को अंधाधुंध काटने से पर्यावरण पर खतरा बढ़ सकता है, पेड़ों की काटने से मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार बड़े बड़े जंगलों को पंजीपति को बेच रही है और पंजीपति लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्हें रोंद रही है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग होना और लोगों में जागरूकता जरूरी है, इसलिए SFI पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाते आई है तथा हमेशा लगाएगी। इस दौरान SFI परिवार सभी लोगों से निवेदन किया है कि पर्यावरण को बचाने पर ध्यान दें एवं पेड़ पौधे लगाएं। यदि जीवन को हरा भरा रखना है तो पौधारोपण जरूरी है और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वह घर पर रहे, सुरक्षित रहे तथा कोरोना वायरस से बचे। इस मौके पर थाना अध्यक्ष राजकुमार भी मौजूद थे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है, मैं छात्र संगठन SFI से जिला मंत्री हूँ। क्या कार्यक्रम है आज का कार्यक्रम? जैसा कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी पूर्व संध्या को देखते हुए सुल्तानपुर जनपद के अंदर जो है मुजगरपुर थाना में जो है पौधरोपण का कार्य किया गया है। साथ में लोगों से ये भी अपील हम लोग कर रहे हैं कि लोग जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने घर पे कम से कम एक पौधे जरूर लगाएं और साथ में जिस हिसाब से सरकार जो है जी वन जंगलों और पेड़ पौधों को जो है बेचने का कार्य कर रही है, पूंजीपति जो है उसको रौंदने का कार्य कर रही है, ये काफी दुखद सवाल है जिससे हमारे जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। शमशान विवाद नहीं ले रहा था थमने का नाम। देर रात पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी को किया गिरफ्तार। नगर निगम उपयंत्री ने लिखवाई थी प्रदीप चौधरी के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर नुकसान की रिपोर्ट। औद्योगिक थाना पुलिस ने किया प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार। दरअसल बावड़िया क्षेत्र के शमशान विवाद में देर रात को औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार कर थाने पर लाए थे, जिसके बाद समर्थकों की भीड़ ने थाने का घेराव करना शुरू किया, जहां देर रात को भारी भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाने के बाहर घंटों हंगामा किया, वही जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर वापस जाने के लिए कहा, जिसके बाद भी कई लोग वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। औद्योगिक थाने पर भारी पुलिस बुलवाना पड़ गया। ये हंगामा करीबन रात 2 बजे चलता रहा, जिसके बाद कई लोग वापस जाने को माने। आपको बता दें कि कुछ दिनों पर बावड़िया में स्थित शमशान पर बैठकर प्रदीप चौधरी ने धरना दिया था और गुस्साए समर्थकों ने शमशान के पास लगी रैलिंग को तोड़ दिया था, जिसके बाद नगर निगम उपयंत्री ने औद्योगिक थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और गुरुवार की रात को प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप चौधरी के समर्थकों ने नारेबाजी कर पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को शमशान तोड़ने के बाद भी वहां एक शव को जलाया गया था, जिसके बाद औद्योगिक पुलिस ने प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया। प्रदीप चौधरी कई सामाजिक सेवाओं से जुड़े कार्यकर्ता भी रहे हैं, जिनके खिलाफ राजनीतिक होने की शिकायत भी सामने आ रही है, जो शमशान विवाद में राजनीति में घेरे जा चुके हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि सत्ता के पक्ष में रहकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो कि गलत है। जो विवाद की स्थिति चल रही है उस तारतम्य में आज प्रदीप चौधरी पर जो FIR हुई है, भैया उसमें पुलिस द्वारा प्रदीप चौधरी को इस प्रकार से उठाया गया है कि वो आदतन अपराधी हो या कोई हिंगिस क्राइम किया हो। क्या अपराध था, क्या कारण था, ये बताइए हम। नहीं, कारण ये है कि उनके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज है, जो एक जननेता पे, आम सामान्य जननेता पे इस प्रकार के प्रकरण दर्ज होते रहते हैं, और यदि प्रकरण दर्ज होते हैं और एक जन सामान्य जननेता पे इस प्रकार से रात्रि को उठाया जाए जो एक कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, तो यह तरीका गलत है। ये सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद हुए, किस प्रकार का विरोध और क्या मांग है? नहीं, विरोध यही है कि उसको तरीके से, विधिवत तरीके से उसको सूचना दे देते, वो आ जाता, वो तो आना चाहता भी था 2 दिन पहले, लेकिन उसके वरिष्ठ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने ये कहा कि हम किसी प्रकार का कोई उठाधरी नहीं करेंगे, उसके बाद आप लोग। आपका नाम बताएं। एडवोकेट चंद्रपाल सिंह सोलंकी।
मनीष जोर के मत बोलना आज। मनीष बताया अभी आप कहाँ पे और क्या है पूरा मामला? मैं थाना उद्योग क्षेत्र में हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी जी पर जिस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई है, एक शमशान जो कि कुछ रसूदखोरों और कुछ चंद व्यवसायियों के चक्कर में आके उसको तोड़ दिया गया। आप देवास शहर की भौगोलिक स्थिति को देखें तो चाहे वो अमूना का शमशान हो, चाहे वो नागदा पाटनगर का अलग शमशान हो, बालनगर का अलग शमशान है, जेतपुरा शहर के बीचों बीच स्थित मालीपुरा का शमशान, ये शहर की जनसंख्या के आधार पर एक महती आवश्यकता है। और ये सबसे पुराना शमशान है बालगढ़ बावड़िया क्षेत्र का, इसको हटा दिया गया। प्रदीप भाई ने उसकी लड़ाई लड़ी, उसको फिर से आबाद करने की बात करी तो शासन ने उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। और आज यहाँ पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई, सत्ता के दंभ में आगे कार्रवाई प्रदीप चौधरी पर की गई है, उनको ज़बरदस्ती बंद किया गया है, जबकि उन धाराओं में उनकी जमानत लेना भी इनके हाथ में बात थी। लेकिन दबाव में आके और पूरी तरीके से सत्ता के पक्ष में कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से हटाया जा रहा है। नामजद दबाव बता सकते हैं? किसका दबाव, नामजद बता सकते हैं आप? स्थानीय प्रशासन का, नेताओं का, विधायक का, मंत्री का, सबका दबाव है कि भैया ये आदमी मेहनत कर रहा है लगातार जनता के लिए, स्थानीय विधायक लगातार ये आदमी जो है मेहनत कर रहा है, जनता के बीच में अपनी पेट जमा रहा है। कोरोना काल में एम्बुलेंस दी, लोगों को खाना दिया जा रहा है, पिछले कोरोना में लगातार निस्वार्थ रूप से बाईपास पर खाना दिया और अपनी जनता के बीच पेट बढ़ती पेट से सत्ता पर घबराया हुआ है। और आज विधायक, सांसद जी और मंत्री सभी लोग घबरा कर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री अपना जो है बिना मास्क के घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पूरे पुलिस प्रशासन साथ में उनकी जोजूरी करता है, लेकिन प्रदीप चौधरी जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है उसको आज बंद कर देते हैं और नॉन अवेलेबल बोल के उनको आज जेल में डाल देते हैं। आज कितनी भीड़ है यहाँ पे मौके पे और भीड़ क्या चाह रही है? हजारों लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी को रिहा किया गया। पिछले 3 घंटे तक आपके इनके समर्थक खड़े हुए, अभी क्या खड़े रहेंगे? और ये समर्थक कह रहे हैं कि हम प्रदीप भैया की रिहाई के बाद जाएंगे। क्या उनको साथ लेके जाएंगे आप? प्रशासन को क्या कहना पड़ेगा? मैं मनीष चौधरी, हेड सचिव युवा कांग्रेस। लेकर बाहर भीड़ लगी है और किसको पुलिस ने गिरफ्तार किया? देखिए, प्रदीप चौधरी को पुलिस ने एक मामले में आज अरेस्ट किया था, इसको लेकर कुछ लोग उनके जो समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन करने आए। अभी क्या स्थिति है सर, क्योंकि शांति जारी है? शांति है, अभी वो लोग बाहर हैं और शांति है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। क्यों छोड़ने की मांग कर रहे हैं सर, तो क्या छोड़ेंगे? नहीं नहीं, छोड़ने की मांग तो उनकी पहले कभी नहीं हुई, जब उनकी मांगे थी कि प्रदीप चौधरी स्वयं आकर को जाने को बोल दें तो उस चीज़ के लिए मना कर देंगे। किस प्रकरण में गिरफ्तारी है उनकी? किस प्रकरण में गिरफ्तारी? अभी कुछ दिन पहले जो एक शमशान घाट के फेंसिंग को उखाड़ने का जो मामला था उसमें। थैंक यू। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय धुर्वे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज के महेशी तिलकपुर के मधुबन नर्सरी से जिला पदाधिकारी के निर्देश पर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जारदुल आम की सौगात भेजने की तैयारी जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के तमाम विभाग के कर्मचारियों द्वारा भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। वही इस दौरान प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मणि मधुबन नर्सरी पहुंचकर आम के पैकिंग की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2000 जरदालू आम का पैकेट महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सौगात भेजने की तैयारी में लगी हुई है। कल 6 तारीख को विक्रमशिला एक्सप्रेस से पार्सल द्वारा भेजा जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर जरदालू आम की पैकिंग की जा रही है। इस दौरान अशोक चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा मधुबन नर्सरी से 15 सालों से जरदालू आम भेजा जा रहा है तथा इस वर्ष भी 2000 जरदालू आम का पैकेट जिला प्रशासन के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सौगात के तौर पर भेजा जा रहा है। किसको लेकर किसानों सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी रात दिन जग कर इस काम में लगे हुए है। इस दौरान उद्यान पदाधिकारी प्रदीप भारती, अमित कुमार, प्रखंड के कृषि कर्मचारी अनूप कुमार, स्वयं सेवक समन्वयक विजय प्रसाद सिंह, हिमांशु शेखर सहित किसान गोपाल नंद, शंकर, बॉबी इत्यादि किसान तथा कृषि विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। तैयारी कर रहे हैं, कहां जाएगा आम से? हम लोग कल शाम से ही यहां जो है जरदालू आम जो महामहिम राष्ट्रपति जी को जाना है उसकी तैयारी बैठ करके करवा रहे हैं और रात भर हम लोग यहीं बैठे हैं। हाँ, और उसकी पूरी जो है ग्रेडिंग के साथ जो है छटाई के साथ जो पूर्ण रूप से सही आम है उसी को पैकेटिंग किया जा रहा है और एक पैकेट में जो है 20 आम है और इस प्रकार 2000 पैकेट की तैयारी किया जा रहा है। वो सभी जो है कल विक्रमशिला से राष्ट्रपति महोदय जी को
जाना है। और किनको? और किनको जाएगा वहाँ? तो राष्ट्रपति भवन जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री जी को जाना है। ये सभी जगह यहाँ से, ये जो भागलपुर का जो फेमस जरदालू आम है उसकी क्वालिटी यहाँ सब बहुत अच्छी होती है। और ये विगत 5-6 साल से लगातार जा रही है, 13 साल 2007 से जा रही है ना, 2007 से। परिचय सर, मैं अनुपम और नोडल कोऑर्डिनेटर सुल्तानगंज से जा रहा है लगातार, और ये अब लगभग 15वां साल है। हर साल आम की क्वालिटी क्या जाती है सर? क्वालिटी हर साल अच्छी जाती है, जिस साल क्वालिटी अच्छी नहीं होता, अच्छी नहीं रहे तो उस साल ऐसा होता है, एक आध साल पोस्टपोन्ड भी करना पड़ता है, प्राकृतिक आपदा सबके चलते। इस बार क्या मौसम में क्या आम की नहीं, क्या? इस बार मौसम ठीक है, आम सब ठीक है, आम भी बहुत ठीक है, फसल बढ़िया। तो इस बार आम कौन सा जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति को? तो हर बार जरदालू ही जाता है। जरदालू कितना साल है सर? 15वां साल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो अशोक चौधरी। बिहार भवन दिल्ली भेजा जाएगा, वहाँ से महामहिम राष्ट्रपाल राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी के यहाँ और वहाँ गणमान्य लोगों के यहाँ इसको भेजा जाएगा। इसको और इस पैकिंग जो हो रहा है इसमें जरदालू आम की क्या खासियत है इससे संबंधित लिखित कम्प्लेट भी रखा गया है, या सरकार के बिहार सरकार के द्वारा इस स्प्रे भेंट वहाँ भेजी जा रही है। यहाँ कल ये विक्रम शिला एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए जाएगी, अभी यहाँ 2000 पैकेट तैयार करवाया जा रहा है। परिचय सर अपना? प्रखंड कृषि कार्यकारी सुल्तान जाएगी महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री को और कैबिनेट के अन्य सदस्यों को जाएगी, और यहाँ से ये बिहार भवन जा जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके कैबिनेट में जो हैं मंत्रीगण सेक्रेटरी उन्हीं के पास जाएगी। ये कितना पैकिंग तैयार किया गया है यहाँ? ये पैकेटिंग 2000 पैकेटिंग होगा यहाँ से। ये आम की क्वालिटी क्या है? कि जरदालू जो है एक सुपाच्य आम होता है, इसमें रेशा नहीं होता है, और ये जो है कम समय के लिए, इसका कम समय के लिए होता है उत्पादन, इसका 15 दिन का ही टाइम रहता है। सुपाच होने के कारण और इसमें पौष्टिक गुण ज़्यादा रहने के कारण इसका स्वाद विशेष खास इस मिट्टी का है, इसलिए इसका यहाँ पर ज़्यादा मांग है लोगों में। इसकी उपलब्धता अभी कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जो यहाँ से जो सौगात भेजा जाता है, ये कितना वर्ष से? ये 15वां वर्ष है, 2007 से ही शुरू हुआ था यहीं से और अभी लगातार जारी है। परिचय सर अपना? मेरा नाम गोपाल जी हुआ, अजगैबीनाथ मैंगो उत्पादक संघ के सेक्रेटरी। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।